जिस दिन मेरा जन्म हुआ कुदरत की बात है कि उसी दिन मेरे फादर को कांग्रेस का टिकट मिला था पहला टिकट उन्नीस के इलेक्शन के लिए जिस दिन आपका जन्म हुआ। जन्म हुआ अच्छा मैं जब वो घर से निकलते थे बाई चांस खुद अब शक्न की बात है मैं रोने लगता था अच्छा वो जब घर से जा घर से जा और मेरे फादर हमेशा ये पकड़ते थे अब इसका रोना बंद करा दो ये कुंडली हमारे यहाँ मास्क का बना था कारखाना लगाया था और उसको हमने विद्रोह उसका विरोध किया हमारे सारे हल्के ने और मेरे फादर उसमें मेन थे तो भाई यहाँ नहीं लगेगा गाय का तो उसमें चौहे बंसीलाल ने मंजूर किया वो और वो हटा दिया यहाँ से मेरे फादर चौहे भजन लाल की मंत्रिमंडल में भी गए लेकिन चौधरी बंसी से कभी बिगाड़ नहीं हुआ अच्छा खूब उनका बड़ा सुरेंद्र से भी काफी वो नज़दीक रहे और भजन ने इवन मुझे घर के बाहर कार के पास मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे समझाया था अब बेटे हमारे पास रिजुक राम से अलावा कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नहीं है और हम इस इनको कहो जब वो देवीलाल की सरकार को तोड़ रहे थे तोड़ रहे थे चौधरी चरण सिंह ने मैं आपको हकीकत बताऊं चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को बुलाया और चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को ये कहा कि भाई आपके खिलाफ एम है ज़्यादा हैं और आप ऐसा करो कि रिजुक का नाम ले दो चौधरी चरण सिंह ने बोला चौधरी चरण सिंह ने कहा आप रिजुक को अगला मुख्यमंत्री का नाम लो देवी लाल ने वहां हा भरी मेरे पिताजी ने इस्तीफा दे दिया उसके विरोध में और ये भी मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी ने खुद मेरे पिताजी को टेलीफोन किया कि भी आप इस पे बुरा ना मानो और ये ठीक कर लेंगे इमरजेंसी में चौधरी बंसी आपसे मिले थे मेरे से नहीं मिले थे मेरे से पहले वो मेरे फादर से मिलते थे अच्छा और हर हफ्ते मिलते थे जेल में हंजीर में अच्छा हफ्ते में दस दिन में आते हिसार जाते जब भी आते जाते जेल रुकते और रोज तक जेल में रुकते और बाहर वो जेल थी तो वहाँ उनसे बात क्या कर, लड़ लेंगे देवीलाल के खिलाफ तो देवीलाल के खिलाफ इलेक्शन होता फिर और उसमें वो जीत गए जीत गए मत खोल मेरी राजनीति की किताब मत खोल मेरी राजनीति की किताब को हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाश था क्या तो ये कहानी आपको पिताजी की है आपकी है ये मेरी ये मेरी राजनीति की किताब आप खोल रहे हो ना आप मुझे नहीं पता था आप शेर शायरी का भी शोक रखते हैं नहीं तो दोस्त यार मैं भी याद कर लेता कुछ पन्ने क्या फट गए हमारे राजनीति की किताब से कुछ पन्ने क्या फट गए हमारे राजनीति की किताब से लोगों ने सोचा हमारी कहानी खत्म हो गई नमस्कार <laughs> दोस्तों गुरुकुल पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के, के। गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी बहुत सर्दी थी घर से निकलना मुश्किल था लेकिन एक व्यक्ति से मुलाकात और बातचीत करीबन दो साल से पेंडिंग थी दो साल से जयत्र दैया जी से बातें हो रही थी कि इंटरव्यू करना है आपका और आज वो दिन आया है जब इनसे फुर्सत के पलों में कुछ बातें करेंगे इनके पिताजी के दौर की चौधरी रिजक राम जी के दौर की, की अगर आप सोनीपत की सियासत को थोड़ा बहुत समझते हैं तो तीन चार नाम ऐसे हुए हैं जो सोनीपत के पॉलिटिकल इतिहास के माइलस्टोन हैं चौधरी टीकाराम जी चौधरी लहरी सिंह जी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जी और चौधरी रिजक राम दहिया जी ये चार पांच नाम ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत लंबा दौर सोनीपत की सियासत को दिया है तो आइए मुलाकात कराते हैं आपको जयत्र दहिया जी से जो खुद भी दो बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे हैं और चौधरी रिजक जी के बेटे हैं आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद और धर्मेंद्र जी आप बिल्कुल फिट लग रहे हो पीछे काफी हाँ, मैं आप काफी फिट कोई तकलीफ नहीं है मुझे अच्छा और भगवान ने तो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हूँ क्या बात है तो वैसे भी इलेक्शन का नाम आते पॉलिटिशियन वैसे जवान हो जाते हैं ना हाँ ये हो जाता है चलो मैं धर्मेंद्र जी आपका काफी दिनों से वेट कर रहा था पर हमारे सितारे मिल नहीं रहे थे कुछ कभी मैं एबसेंट हो जाता था कभी आप कभी मैं बीमार कभी तो ये चल रहा था हाँ, कि चल कि रहा है ना अच्छा जय तीर्थ जी सबसे पहले मुझे ना क्यूरोसिटी थी एक hmm. कि ये जो आपका नाम है hmm. जय तीर्थ आमतौर तो पर ऐसे नाम जेटो में मतलब यूनिक सा नेम है ये तो इस नाम के पीछे क्या कहानी है? तो है मैं बताता हूँ जी एक्चुअली hmm. मेरा जो बड़ा भाई था वो उसका नाम था राम तीर्थ राम तीर्थ हाँ जी अच्छा मेरा जब ये मीत उससे छोटा था प्रेम तीरथ वो वकील थे उनकी अभी पिछले साल डेथ हुई है कैंसर की वजह से तो मेरा जिस दिन इलेक्शन जिस दिन मेरा जन्म हुआ कुदरत की बात है कि उसी दिन मेरे फादर को कांग्रेस का टिकट मिला था पहला टिकट उन्नीस के इलेक्शन के लिए जिस दिन आपका जन्म हुआ जन्म हुआ अच्छा और वो इलेक्शन में जीते आते ही मुझे गोदी उठा लिया फिर वो एक जयलाल था उस ब्रौने का उसने मुझे गोदी उठा लिया और वो गाने लगे भाई ये उधर लड़का जी, जीत गए और जीत के नाम के साथ ना जय तिरत फेरूम के साथ मेरा नाम जय तिरत तिरत से मिला के दिए हैं इसके अलावा आपको और भी बात बताऊं फिर मैं फिर मेरे पिताजी 1957 के इलेक्शन में एक सौ बावन वोट से कुछ से हार, हार गए थे सिंह उस इलेक्शन में मैं जब वो घर से निकलते थे बाई चांस खुद अब शकुन की बात है मैं रोने लगता था अच्छा वो जब घर से जा घर से जा और मेरे फादर हमेशा ये पकड़ते थे अब इसका रोना बंद करा दो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा अच्छा और वही बात हुई कि वो रोने का असर ये पड़ा कोई इलेक्शन हार गए तो मुझे इस मामले में वो मानते थे बचपन से उनको ये ख्याल था अगर ये इस मामले में बड़ा वैसे छोरा रोता हो तो फिर हाँ ये कम होता कम हो मतलब काम खराब हो उनको मेरी <laughs> उससे था hmm. अच्छा और जब मैं, मैं खुश तो अगली इलेक्शन में मैं आगे आगे तो उसमें दस हजार से जीते तकरीबन चौधरी टीकाराम जी को हराया था उन्होंने हाँ जी पहला इलेक्शन टीकाराम को हराया था चौधरी छोटू राम की तो डेथ हो चुकी थी हाँ जमींदारा पड़ा और चौधरी टीकाराम ही उनके दाएं हाथ थे और उत्तराधिकारी थे हाँ उत्तराधिकारी थे और सब कुछ उन पर था और हमारे एरिए में उनका काफी बड़ा योगदान भी था शिक्षा में भी वैसे भी पॉलिटिकल भी तो उसको पहले टिकट में उनको पहले उसमें हराया था अच्छा अच्छा दैया साहब थोड़ा आपके जैसे पिताजी चौधरी रिजक राम जी के बारे में सोनीपत में तो लोग जानते हैं लेकिन बाहर मतलब बहुत ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है लोगों को तो एक तो आपका जो गांव है कौन सा गांव है हमारा गांव है जी यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल के साथ थे, बड़ खाल, खाल से और वो आर्य समाजी थे आर्य समाज उधर और इसमें इसके मटिंडू के भी प्रधान रहे गुरुकुल के अच्छा। और हमेशा से आर्य समाजी विचारधारा उन्होंने भी एलएलबी की थी एलएलबी की पहले खेड़ा क्लास से तो उन्होंने स्कूलिंग की और खेड़ा कला से फिर रामजस कॉलेज में पढ़ाई वो की फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो करके लॉ और वकील बन गए 1940 में वकील बने थे वो। 1940 में वकील में वकील आपको एक बात और बताऊं कि खेड़ा कला पैदल जाते थे अच्छा गांव से हुँ. पैदल जाना पैदल आना खर, खेड़ा कला गाँव था रेलवे के पास अच्छा तो वहाँ बोल ये हरी राम हुडा उनका प्रिंसिपल था hmm. तो ये पैदल जाया करते और पैदल आया करते और इतना शौक था पढ़ाई का कि मेरा जो ग्रैंड फादर दादाजी थे वो बल्कि इतने इंटरेस्टेड नहीं थे वो करते थे खेती के लिए बोलते थे hmm. लेकिन ये मानते नहीं थे नहीं मुझे पढ़ना है फीस तो मुझे जबरदस्ती तो उनकी जो वकालत थी अच्छी चली यहाँ पे बहुत चली थी अच्छा उन्ते उन्ते तो मेरे ख्याल दस साल की वकालत की उन्होंने उन्होंने वकालत की जी चालीस से लेकर वो तो करते ही रहे जी कम से कम 40 साल तो करी है जी बीच बीच में राजनीति में आ जाते थे लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि जिस दिन वो राजनीति से हटते थे जिस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दिया या छोड़ के आगे अगले दिन कोर्ट में चले जाते अच्छा अपना पैतृक काम करते थे वो जो जिसके लिए आए थे अच्छा जैसे उन्होंने पहला चुनाव लड़ा उन्नीस सौ बावन का बावन में तो बावन के चुनाव में वो जीते जीते जी अच्छा चौधरी टेकराम जी को जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उस दौर में जब चौधरी छोटू राम का निधन ही हुआ था और जमींदारा पार्टी मतलब समझने की कोशिश कर रही थी उस समय चौधरी रिजक राम जी का कांग्रेस से जुड़ाव कैसे हुआ कांग्रेस का जुड़ाव तो हुआ चौधरी लहरी सिंह की वजह से अच्छा और चौधरी रणबीर सिंह की वजह से इन्होंने जो है ना मदद की और वो इनको कांग्रेस के लिए सिलेक्ट किया हालांकि कई वो आई थी लेकिन दुविधा कई परेशानी थी लेकिन वो सब हटा के और चोर लहरी सिंह ने और चोर रणबीर सिंह ने मेरे फादर को ही हराई के लिए सिलेक्ट किया था अच्छा और अगला चुनाव सत्तावन का स्तावन में।, स्तावन में हार गए थे, थे।, थे तो फिर उससे अगला चुनाव जब वो जीते तो तो भी बने फिर मंत्री बनेंगे क्या पोर्टफोलियो थे उनके पास बिजली एंड सिंचाई मंत्री बिजली और सिंचाई काफी एम में थे, थे हाँ काफी वो महकमे थे और काफी उन्होंने काम भी किया इसमें बिजली और सिंचाई में और मैं तो जब तिरासी के इलेक्शन में भी इधर जाता था जींद की तरफ और इलेक्शनों में घुमा तब भी लोग कार थे भाई रिजुक राम जब था जी उसने खाई ला दी थी खाई ला दी थी हाँ ऐसा कह रहे मैं ऐसे कहा तो वो जैसे मंत्री बने आ, उसके बाद वो मेरे ख्याल से पंडित भगोदयाल जी की सरकार में भी मंत्री रहे वो पंडित भगोद्याल जी में भी रहे हाँ लेकिन बाद में रिजाइन किया उन्होंने नहीं देखो तो मैं आपको बताऊं कि छियासठ में हरियाणा बने उस हरियाणा बनते ही पंडित दयाल चीफ मिनिस्टर बने।, बने।, बने और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आ, ये मेरे पिताजी चौधरी रिजक चौधरी हरिद्वार लाल चौधरी देवीलाल एटसेट्रा जितने भी थे ये सब उसको भगवत दयाल को पसंद नहीं करते थे नहीं। और वो जो भगवत दयाल को तेरह दिन में ही स्पीकर के इलेक्शन में और वो राव वीरेंद्र जीत गए और वो इनका जो तब, तब तो आपके पिताजी राई से विधायक थे राई से विधायक थे और मंत्रिमंडल में थे मंत्रिमंडल में थे भगवत के अच्छा ये देखिए और बजने लगी बंसी हाँ ये मैंने देखी थी खबर बंसी लाल जी जब मुख्यमंत्री बने हाँ तो बंसी लाल जी का ऐसा कहा जाता है कि नाम नहीं था मतलब

तो आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे जिस जो चीफ मिनिस्टर यानी राव वीरेंद्र बना अच्छा चौधरी देवीलाल घर आए थे घर हाँ आए थे आपको मुझे तो, हाँ जी अच्छा तो मेरे फादर ने उस वक्त कहा मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और वो कांग्रेस में ही रहे तो कांग्रेस में रहने की वजह से ये ये, ये राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने और मैं आपको याद रहा हूँ मेरे फादर के सहयोगी थे चौधरी फूलचंद रोहट हाँ उनको मंत्रिमंडल में लिया और उनके सहयोग से राव वीरेंद्र की सरकार चली आपके पिताजी कांग्रेस में ही रहे मेरे नहीं छोड़ा उन्होंने नहीं उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस ना छोड़ने की वजह से वो रावीरेंद्र चीफ जनिस्टर बना उसके बाद चौरी बंसी से हमारा सहयोग चलता रहा बंसी लाल जब चौबी बंसी लाल जैसा मैं जानता हूँ चौधरी जी की बहुत इज्जत करते बहुत इज्जत करते चौधरी जी के कहने पे उन्होंने पे पे भी प्रतिबंध लगा दिया ये कुंडली हमारे यहाँ मास्क का था, था। कारखाना लगाया था हां। और उसको हमने विद्रोह की उसका विरोध किया हमारे सारे हल्के ने और मेरे फादर उसमें मेन थे तो भाई यहाँ नहीं लगेगा गाय का तो उसमें चौहे बंसीलाल ने मंजूर किया वो और वो हटा दिया यहाँ से बंद हुआ था उसका वो भी मेरे फादर की वजह से और चौहेब बंसीलाल की सहयोग की वजह से अरे चौबे को जैसे आपके घर पे आते रहे हो तो मुलाकातें किस तरह के व्यक्ति थे चौधरी बंसी लाल? बड़े खुश दिल आदमी थे जी मैंने तो उनको यहाँ ड्राइंग रूम में देखा है हुँ. और बड़े खुश मिजाज हंसी मजाक बहुत करते थे और hmm. मेरे फादर से तो जर उनकी अच्छी वो थी hmm. बहुत अच्छी निबी भी hmm. हालांकि मेरे फादर चौब भजन लाल की मंत्रिमंडल में भी गए लेकिन जो बंसी से कभी बिगाड़ नहीं हुआ अच्छा hmm. खूब उनका बड़ा सुरेंद्र से भी काफ़ी वो नज़दीक रहे hmm. वो तो कुछ बाद में मन मुटाव हुए जिसका उन्होंने बाद में पछतावा भी किया भी मैं बंसी जी के साथ हो गया था हाँ जी क्या किस बात पे हुआ था वो असलियत तो ये है कि वो ये वो राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी ठीक है और मेरे पिताजी चाहते थे भाई मैं इसमें मुझे बंसी मेरा नाम ले नाम ले लेकिन चौधरी बंसी ने उसमें सुरेंद्र का नाम ले दिया अपने बेटे को अपने बेटे को दे दिया तो इस बात पे मेरे फादर ये हो गए इनके घर में जब चीफ मिनिस्ट्री है तो उसकी क्या जरूरत क्या जरूरत थी बल्कि ए, मेरे फादर को द, द, दस पंद्रह साल से भजन लाल से बिगाड़े घर बैठे थे तो वो चाहते थे भाई मेरा नाम आए तो वो ईगो समझ लो या कुछ कह लो उसकी वजह से बस फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया अच्छा 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 चौबी भजनलाल जी के साथ कैसे फिर ऐसे आदमी चौधरी जैसा व्यक्तित्व था और जैसी पढ़ाई लिखाई थी उनकी फिर चौधरी भजन से कैसे बन गई मैंने बताया ना आपको चौधरी भी यहां भी आए हुँ. और उन्होंने मेरे पिताजी को तैयार करने की कोशिश की कि आप देवीलाल के खिलाफ मूवमेंट में आओ 79. 79 में में फिर मेरे फादर इनकार करके हुँ. और मैंने जैसे बताया कि चौधरी भजन लाल ने इवन मुझे घर के बाहर कार के पास मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे समझाया था अब बेटे हमारे पास रिजक राम से अलावा कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नहीं है और हम इस इनको कहो जब वो देवीलाल की सरकार को तोड़ रहे थे तोड़ रहे थे वे आप देवीलाल के इस मूवमेंट में आ जाओ जब जब तो शुरू ही हुआ था कोई ज़्यादा आप जनता पार्टी में जा चुके थे उस समय तक जनता पार्टी थी उस वक्त जनता पार्टी थी कि आप चौधरी सब अपने पिताजी को समझाओ और इसमें देवीलाल के ख़िलाफ़ तो मेरे पिताजी मानने नहीं शुरू में नहीं। फिर वो ज़्यादा दबाव पड़ा जब उधर से क्योंकि चौधरी देवीलाल ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया नहीं। तो वो फिर देवीलाल से हट गए फिर वो मोमेंट में शामिल हुए और उसमें फिर चौधरी देवीलाल को हटाना पड़ा मेजोरिटी अच्छा। जो थी वो फिर बजन लाल ने सरकार बनाई तो उसमें आपके पिताजी मंत्री बन गए क्या हुआ जी उस वक्त जो एम थे वो मेजोरिटी जो थी वो बजरलाल ने अपने साथ कर ली मेरे फादर भी थे उनमें सब थे चौधरी चरण सिंह ने मैं आपको हकीकत बताऊं चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को बुलाया और चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को ये कहा कि भाई आपके खिलाफ एम एल ए ज्यादा हैं और आप ऐसा करो कि रिजुक राम का नाम ले लो चौधरी चरण सिंह ने बोला चौधरी चरण सिंह ने कहा आप ऋजुक राम को अगला मुख्यमंत्री का नाम लो देवीलाल ने वहाँ हाँ भरी कि मैं कर दूंगा और देवीलाल वहां से हाँ भर के जब वो आप, कर, आपने उस पर आया घर तो वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से उन्होंने पूछा कि क्या फैसला किया तो उन्होंने कहा ऋझुक राम का कर दिया तो चौटाला ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत करे है रिजक्रम को तो बनाना नहीं और क्योंकि वो नहीं चाहते थे, थे रोहतक तो सोनी पर से कोई नया चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि ना ना ये तो गलत कर दिया ओ। और अगले दिन जो विधायक दल की मीटिंग थी वहाँ पार्लियामेंट के पास अनेक्सी में उस पार्लियामेंट की एनेक्सी में आ, उसने चौधरी देवीलाल ने वो काल का से एम था सरदार लक्ष्मण सिंह उसका नाम ले दिया अच्छा प्रपोज कर दिया अपनी जगह वो उसमें डिफीट होनी होनी थी उसमें बजरलाल इलेक्ट हो गया तो। लेकिन ये ये हकीकत है और इसमें मतलब इन्होंने इनकी इस वजह से एक भाई ये तो सोनीपत का हमें चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं होगा वो कह सकते हो अच्छा जैसे चोबीलाल जी के साथ तो अच्छे संबंध थे बिल्कुल। लेकिन आपातकाल में जी फिर जेल क्यों गई जेल उस वक्त जो थे ना उस वक्त मेरे फादर ने मोमेंट चला रखा था चंडीगढ़ के लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अड़सठ में चौधरी बंसी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने दो सीट राज्यसभा की वेकेंट हुई तो चौधरी बंसी की वजह से दोनों सीटों पर आ, एक पर दयाल पंडित भगवत्याल शर्मा को मिला कैंडिडेट बनाया और दूसरी पर चौधरी रिजुक राम और ये हिसाब लगाया कि अगर रिजुक राम को कुछ ये इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर देते हैं तो दोनों सीट हमारे को मिल जाएंगी ठीक है और वो हुआ भी है सही चोर राजेंद्र सिंह थे चोर मुख्तार सिंह थे ये इंडिपेंडेंट थे जब इन्होंने इन आपके पिताजी को वोट वो दिया वो वोट दिया और वो उसमें राज्यसभा चले गए राज्यसभा चलेगी ठीक है और राज्यसभा जाने के बाद काफ़ी अच्छी चौबे बंसीराल से इक्वेशन रही आ, और चलती रही लेकिन फिर बीच में ये चंडीगढ़ का अवार्ड आ गया उन्नीस सौ सत्तर में इंदिरा गांधी ने ये अवार्ड दे दिया Uh, uh, और चंडीगढ़ पंजाब एज पर दैट अवार्ड उसमें चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया दिया था हाँ उससे पहले ये पोजिशन चल रही थी कि सारे लीडर्स तकरीबन यूँ करते थे भाई अगर चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया तो हम इस्तीफा दे, दे देंगे या इस, इस इस तरह का दावा करते थे लेकिन असलियत में जब वो हो गया तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया hmm. मेरे पिताजी ने इस्तीफा दे दिया hmm. उसके विरोध में और ये भी मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी ने खुद मेरे पिताजी को टेलीफोन किया hmm. कि भाई आप इस पे बुरा ना मानो और ये ठीक कर लेंगे उन्होंने कहा ना जी मैं तो इस्तीफा दे दिया hmm. तो वो कहने लगी मैं रुकवा लूंगी इन्होंने कहा जी मैंने तो पोस्ट भेज दिया तो उसने कहा कोई उसकी कोई फिक्र नहीं है लेकिन आप तो मानने से इनकार कर दिया कि मैं तो फिर बयान दूंगा मैं एम पी नहीं रहता अब धर्मेंद्र आप जी आपने तो काफी देखी है सियासत राज्यसभा की सीट एक मुफ्त की सीट होती है हाँ वो तो लोकसभा और राज्यसभा में तो तो कोई खर्चा ही नहीं लगना दी कोई खर्चा नहीं कोई लेना नहीं कोई जवाबदेही नहीं हर उसमें इस्तीफा दे दिया छोड़ दिया अच्छा फिर वो जो इस्तीफा दिया उसके उसमें एक विरोध में आ गई और विरोध में आने से फिर वो वहाँ वो आड़ा जलसा रखा था वहाँ गिरफ्तार हो गए एमरजेंसी में तो कौन सी जेल में रखा उनको वो तक जेल में गए रोहतक जेल में थे तो उनके साथ कौन कौन लोग थे रोहतक जेल में रोहतक तो जेल में वैसे तो सत्तर अस्सी आदमी थे काफी बड़े थे तो आप लोगों को बच्चों में से कोई गिरफ्तार नहीं मैं भी था आप भी गिरफ्तार मैं ने? भी गिरफ्तार हुआ था हाँ। कॉलेज से कॉलेज से हाँ। और आ, आ, ये जैसे संत कुमार जी हैं ना हाँ। है। ये भी मेरे साथ जेल में थे राजकुमार था ये काफी अच्छा आप कितने दिन रहे जेल में वो चार पांच दिन तो रखा मैं वहां अच्छा फिर चार पांच दिन के बाद शायद वो हमारा एक सौ सात एक सौ इक्यावन में आपके पिताजी पे, पिता पे लगाया था ना अच्छा वो फिर छोड़ दिए थे वो ये ये जो मैंने कहानी आपको बताई ये बताइए चंडीगढ़ की चंडीगढ़ की वो नहीं बताया एमरजेंसी अच्छा अच्छा एमरजेंसी में तो क्योंकि अपोजिशन में थे एमरजेंसी में पहले दिन ही पकड़े गए

और जब भी आते जाओ तो जेल रुकते, रुकते। और रोक जेल में रुकते और बाहर वो जेल थी तो वहाँ उनसे बाहर तो क्या कहते थे वो रिजिक राम जी को पता नहीं जी मुझे मैं तो वहाँ नहीं होता था लेकिन ये ज़रूर है कि जब वहाँ आए चंडीगढ़ तो उन्होंने मैसेज भेजा मैं वहाँ एम एल हॉस्टल में, तो में ठहरता था पढ़ रहा था आप पढ़ते थे हाँ पढ़ता था लाओ में तो उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई बुलाओ मैं गया मिलने आपको सीएम साहब ने बुलाया मैं गया वहाँ तो सीम साहब कहने लगे भाई एक तो तू घर के खर्चे की बता कैसे चल, चल रहा है अच्छा मैं जी ज़्यादा तो मुझे नहीं पता ये है पर इतना ज़रूर है कि भाई मेरा खर्चा मेरे खर्चे पे कटौती लगा दी कटौती हो रही है हाँ क्योंकि तो अब वो ये कहते हैं भाई बाबू जेल में है और तू थोड़ा कम खर्चा कर तो, तो कितने दिन पे मिला करते आप चौधरी बंसी लाल उस वक्त का मेरी माँ लाडला था सबसे छोटा अच्छा अच्छे पैसे मिल जाते थे तो वो जय बंसी लाल ने कहा भाई तू अपना खर्चा तो मेरे पे ले कर अच्छा जितना भी हो और एक ऐसा कर कि वो जो इनकम टैक्स की वो भरनी है आप पिताजी कह रहे थे रिटर्न वो आ, मैं तानी को बुलाया और उसको कहा भाई चौधरी साहब की इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करवा तो उनका वो जो गवर्नमेंट का कोई एडवाइजर था है, है, इनकम टैक्स का उसको बुला के उसके जिम्मे दे दिया फिर वो तैयार हुई तो जब वो कहने लगा कि इतने पैसे भरो जी उस वक्त पता नहीं आठ सौ रुपए थे कितने थे टैक्स के हाँ टैक्स के तो मैंने मैं मेहता से कहा जी मेरे पास तो नहीं है तो मैं मेहता ने अपनी जेब से निकाल के वो मुझे पैसे दिए टैक्स के हैं टैक्स के भैया भर आओ तो मैं फिर वो पैसे भर के आया बाद में मैं जब यहाँ से गया तो फिर मैंने मेहता को पैसे वापस किए लेकिन असलियत में जब मेरे फादर मंत्री थे पंजाब में तो मैतानी जो थे ये मेरे फादर के स्टैनो थे अच्छा अच्छा बाद में ये ओ एस टी लग गए सी एम साहब के और तरक्की कर गए एस सी एस भी हुए लेकिन शुरू में इनका शुरुआत जो थी नौकरी की वो मेरे फादर के साथ थे। के साथ आपके स्टैंडो हाँ, था हाँ। अच्छा ये किस तरह का रिश्ता है कि एक तरफ तो जेल में है दूसरी तरफ चोई बंसी भी चिंता कर रहे हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पा रही की नहीं हो पा रही इसका मतलब ये था कि चोई वो वो रिलेशन चाहते उन्होंने जब गिरफ्तारी के वक्त भी टेलीफोन किया था वहा थाने में अब सी साहब बात करेंगे गिरफ्तारी के वक्त भी अच्छा और उन्होंने मेरे पिताजी को कहा था भाई कोशिश की थी ग्रहण देने क्यों आप इस झंझट में पढ़ते हो वो पर वो आ, क्योंकि पब्लिक लाइफ का में ये छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ। तो वो वो लेना मैं तो गिरफ्तार हूँ अच्छा। फुलचंद साहब था अच्छा और वो गिरफ्तार हुए फिर मतलब इनकार कर गए घर तो पे कैसा माहौल था आपके ये लगता था वापिस आ जाएंगे या फिर उस समय घर में जैसे एक आदमी जेल बड़ा आदमी वो था ही कमाने वाले तो वही थे तो वो जेल में चले गए तो थोड़ा सा वो तो लगता ही है थोड़ा कमी दो फिर वो लेकिन यह आता रहता था ये कि भाई बंसी लाल इस हफ्ते फिर मिला है फिर मिला है अच्छा पता लगता है पता लगता है आ, वो तो, मेरे फादर को एलर्जी की मेन शिकायत थी कि उनके हाथ पाए सूर जाते थे तो वो जिस कमरे में वो थे उसमें सील चढ़ी हुई थी बारिश सीलन थी हाँ सीलन की वजह से हाथ पां एलर्जी थी तो एक तो जो बंसीलाल को कहा उन्होंने मेरा कमरा बदलवाओ तो उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया फिर अच्छा जेल के ऊपर के कमरे में ये उनको बेनिफिट दिया था बाकी रहे फिर वो चलती रही पॉलिटिक्स उसके बाद एमरजेंसी के बाद ये फिर ये 83 में इलेक्शन आया जैसे मैं उस पर आऊँगा जैसे 80 का चुनाव हुआ 80 में यहाँ से चौधरी देवीलाल जीते जीत के और तिरासी में फिर उपचुनाव हुआ आया क्योंकि देवीलाल ने छोड़ दिया था मैम से चुनाव लड़ लिया था तो ये जब चुनाव हुआ तो चौधरी तो तो देवीलाल की चौधरी चरण सिंह से चुकी थी थ्री वाला जो चुनाव था उपचुनाव मैं एक एटी वाली बात मैं आपको वही कह रहा था ना कि ये शायद 80 में ही हुआ था कि चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़ने लगे और चौधरी मुखिया बैठ गए ना चौपाड़ में तो उनकी कुर्सी जो रख रखी थी वो पतराड़े गई पेशाब कर दिया क्यों ऐसा क्यों किया रिटायर हो गई हवा काट दी पूरी वो थी तो उस इलेक्शन उस में भजन लाल ने ये कहा आप जो है ना इसकी मुख्तियार सिंह मदद करो अच्छा जिक्राम छोटे जिक्राम तो मेरे पिताजी उस बात से इनकार कर गए और आप यकीन करो कि उसी वक्त कह दिया मेरा इस्तीफा ले लो इस्तीफा लिख दे दिया अच्छा मंत्री थे वो मंत्री थे और मंत्री से इस्तीफा दे आप यकीन नहीं करोगे कि एक नारी से एक सरपंच की गाड़ी गई हुई थी रणजीत की उसी की गाड़ी में डिग्गी में सारा सामान रख के अपना परसों सोनी तो बता के किसी कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के उस दिन घर गए, घर आ गए इस तरह से कोई आता नहीं अच्छा उसी दिन इस्तीफा दे गए और मंजूर की भी बात नहीं देखी और अपना सारा सामान ले गए बोरिया बिस्तर रंजीत की उसमें रखा डिग्गी में और घर आ गए अच्छा अच्छा फिर आ गया तिरासी में तिरासी में में उपचुनाव में। होता है सोनीपत से और वो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था क्योंकि चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे ये दिखाने के लिए कि चौधरी चरण सिंह का कोई हरियाणा में वजूद नहीं है चौधरी चरण सिंह ने यहाँ पे किताब सिंह मलिक को प्रत्याशी बना रखा था और आपके पिताजी को कांग्रेस ने टिकट दी और वो टिकट भी चौधरी भजन लाल ने बुला के दी अच्छा मैं यह आपको बताऊं मेरे पिताजी को हरियाणा भवन बुलाया और उन्होंने कहा आपको लड़ना पड़ेगा चौधरी भजन लाल ने घर से बुला के टिकट दी थी सर जो उन्नीस का जो चुनाव था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था क्योंकि चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे ये दिखाने के लिए कि चौधरी चरण सिंह का कोई हरियाणा में वजूद नहीं है चौधरी चरण सिंह ग्रुप ने टिकट दे दी किताब सिंह मलिक को और चौधरी ऋजिक जी को चौधरी भजन जी ने टिकट दे दी मैंने बताया आपको घर आप, से बुला के घर से बुला के टिकट दे दी सोनीपत मैं खुद साथ गया था सुबह चार बजे पाँच बजे हरियाणा भवन और चौरी भजन लाल ने कहा आपको लड़ना पड़ेगा देवीलाल के खिलाफ अच्छा तो वो उसमें मेरे हाँ पर, पर ली उन्होंने आपको हाँ तुरंत लड़ अच्छा। लड़ लेंगे देवीलाल के खिलाफ तो देवीलाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा फिर और उसमें वो जीत गए जीत गए किताब सिंह मलिक तीसरे नंबर पे रहे देवीलाल जी दूसरे पे रहे दूसरे पे रहे अच्छा उस समय उन्होंने हाथी मंगवाया था ये बात है है हाँ ना हाँ जी हाथी पे जुलूस निकाल पे जुलूस। दिल्ली से कहते दो सौ रुपये में आंधी मंगवाया किराए पे तो ऐसा मतलब वो काफी खुश हुए थे क्या चौधरी देवीलाल को के? नहीं वो था भी एक बहुत रिकॉर्ड की बात चौधरी देवीलाल को हरा के एक जीतना इलेक्शन जीतना हुँ. थी भी बहुत बड़ी बात और मैं तो ये कहता हूँ कि बाद में भी चौधरी देवीलाल ने अगला इलेक्शन जब रहे जब भी उसने कहा कि यार क्योंकि धर्मपाल मलिक से हार गया अगला चौरासी का इलेक्शन चौरासी का इलेक्शन आपके पिताजी हार गए नहीं ऐसा हुआ जी देवीलाल तिरासी में हारा हारने के बाद मेरे पिताजी ने वहां राम मनोहर लोहिया में ऑपरेशन करवा लिया पत्थरी का और वो जो पत्थरी का ऑपरेशन करवाया उसमें जो वो जो टाके लगाए ना वो सब स्टैंडर्ड के दिए सरकार का हॉस्पिटल था वैसे तो वो जो जो टाके लगी ना वो अपने आप डिजोल्व नहीं हुए अच्छा और वो गड़ गए और पस पड़ पस पड़ उसमें उसमें पस सारे अठों उस और बुरा हाल हो गया तो कोई कमीज पहनने बैठे इतना भर जाता था तो उन्होंने फिर अब उस पे हेल्थ ग्राउंड पे अगला इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया अच्छा भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा फिर चोर राजेंद्र सिंह की मदद से धर्मपाल मलिक जी कैंडिडेट आए और वो उन्होंने फिर वो क्योंकि इस इस दौरान इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो चुका था और देश में एक लहर थी लहर तो उस लहर में का फायदा उठाया कांग्रेस ने वो धर्मपाल मलिक की जी जीत हुई जो देवीलाल आर फिर से देवीलाल फिर हर गए उसके बाद सामने पता ही नहीं वो चुनाव लड़ने के लिए ना आए नहीं फिर नहीं। फिर वो रो तक चले गए तक जाते भूपेंद्र सिंह पहले हालांकि वहां फिर हारते रहे में कहा था पहला इलेक्शन शायद चौकी देवीलाल का भी आपके घर पे आना जाना रहा एक बार राया, दो बार राया, तीन बार आए अच्छा हाँ मैं खुद याद है मुझे ये, ये पर तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर रहे। अच्छा कोठी में और जब कटाई था काम तो अच्छा फिर ये लास्ट इलेक्शन उनका तिरासी ही था आपके पिताजी का इसके बाद भी नहीं उसके बाद लड़ा ना मैंने आपको बताया कि छियानवे में लड़ा उन्नीस सौ छियानवे में हाँ इंडिपेंडेंट अरविंद शर्मा के अरविंद शर्मा इंडिपेंडेंट अरविंद शर्मा आपके पास कांग्रेस से उससे थे लोकदल से लोकदल से थे अच्छा फिर वो मैंने आपको बताया कि वोटिंग क्योंकि बट गई थी उसमें धर्मपाल मलिक भी खड़ा था धर्मपाल मलिक केवल की के जुबान जब्त हुई और एक वो किताब सिंह ना अबे रामदे अबे रामदे वो बंशीलाल जी के साथ बंशीलाल जी के साथी थे तो वो भी मेरे डाल डेढ़ लाख वोट ले गए तो वो वोटों के डिवीजन से हम इलेक्शन हार गए चालीस पैंतालीस हजार अच्छा विधायक जी जैसे मास्टर का बेटा मास्टर बनता है ऐसे ही फिर मतलब आप कैसे पॉलिटिक्स में आए मैं तो जी मैंने लॉ की वकालत करी अपने फादर के साथ बत्तीस साल हैं तैतीस साल और मैंने भी ये क्राइम क्रिमिनल लॉ में अच्छा आप अपने पिताजी के साथ ही चैम्बर में बैठते हाँ चैम्बर में अच्छा चैम्बर तो क्या हमारा वो सीट है उस सीट पे बैठते थे चैम्बर भी है तो उसमें मैंने बत्तीस तैतीस साल प्रैक्टिस करी एज क्रिमिनल लॉजर और मुझे बड़ी कामयाबी भी मिली अच्छा राजनीति का तो ये है कि आप क्योंकि मेरे फादर की उन्नीस में डेथ हुई तो ये एक तो मैं आपको बताऊं अगर आप तो कहो तो एक शेर कहू सुनाइए मत खोल मेरी राजनीति की किताब मत खोल मेरी राजनीति की किताब को हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाच था क्या तो कहानी आपके पिताजी की है आपकी है ये मेरी ये मेरी राजनीति की किताब आप खोल रहे हो ना तो आप तो आप, आपको तो आप मजे मुझे, मुझे किए मुझे, 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 मुझे। आप कहा हुए जी अब इलेक्शन नहीं आ रहा मैं हरियाणा की सबसे छोटी जीत आपको रिकॉर्ड आप। रिकॉर्ड है लेकिन मैं तीन वोटों से जीते आप ये हारा भी तो ऐसे आदमियों की वजह से हारा भी नहीं दो बार आप जैसे विधायक ये चौदह में उन्नीस में आ रहे हो आप तो उन्नीस में जो मैं हारा ना उसमें भी ये हुआ कि जो इंद्रजीत हमारा लोकदल का कैंडिडेट था उसने इलेक्शन से वापस नाम लेने की तैयारी कर ली विड्रॉ करने की उसने हुड्डा साहब को अप्रोच किया अच्छा और हुडा साहब को अप्रोच किया कि जी मैं बैठना चाहता हूँ और मुझे बिठवा दो जैसे इज़्ज़त से क्यों भी है अब ये बात ना तो हुडा साहब के दिमाग में आई ना मेरे दिमाग में आई और मैं मुझे हुड्डा साहब ने कहा भाई आप कल नारी पहुँच जाना पहले तो रात को हमारी मीटिंग करवाई रोहत तो तक मीटिंग होने के बाद ये फैसला हो गया कि भाई मैं विद्रॉ कर रहा हूँ वो इंद्रजीत विद्रॉ कर रहा है और उसके बाद मुझे कहा कि भाई आप सवेरे नारी चौपाड़ में पहुंच जाना मैं चला गया ये योडा साहब ने आदेश दे दिए अब हुआ ये कि, <laughs> कि यह ध्यान नहीं दिया कि जो आदमी एक तो नारी गांव में जो आदमी डेडली अगेंस्ट थे इंद्रजीत के उन्होंने जब ये देखा कि इंद्रजीत का तो इनसे समझौता हो गया तो उन्होंने अगले दिन ही एक दिन की भी बाटन देखी और अगले दिन ही उन्होंने मोहन लाल को अपने घर इनवाइट कर बुला लिया आगे। आगे। और मोहन लाल की आठ दस जगह नारी नारी, नारी गांव में आठ दस जगह चाय हुई अच्छा यानी जो आदमी मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो सब विड्रॉ कर रहे Hmm. इस तरफ इस बात पे वही तो इंद्रजीत के साथ मिल मिले hmm. दूसरा जो हुआ मेरे हलके में जाटों में दो गोते हैं मेन hmm. बड़े वैसे तो कई गोते हैं पर मेन जो है ना एक तो ये आती है और एक है दइया hmm. hmm. ये प्रचार उसी दिन बड़ा जबरदस्त हुआ और खेवड़े पंचायत वो मीटिंग हुई उसमें ये पंचायत प्रॉप किया गया कि भाई ये के दोनों इकट्ठे हो गए तो आतल रह गया hmm. अजीत आतल था जे पी से hmm. तो वो आ, उसका एकदम इलेक्शन उठ गया क्योंकि hmm. वो जो आ, ये प्रचार किया गया ये तो दई आगे इकट्ठे हो गए hmm. उसका लॉस ये हुआ जी वो साढ़े सत्रह हजार वोट ले गया hmm. जबकि हम उसकी दस हजार से ऊपर वोट नहीं लगा रहे थे साढ़े सत्रह हजार वोट ले जाने की वजह से मुझे नेचुरली मैं तो बड़ा शौक लगा हाँ और वो इस वजह से मेन वजह मेरे हारने की यही रही कि वो ये तो आप तो जैसे अब जीत का समझौता मुझे ले बैठा अब तो जैसे आप जब, अब ये पॉलिटिक्स में बात चलती है तो अभी आपने भी आपके आगे भी आई होगी कि कांग्रेस और क्या कांग्रेस का लोक दल से समझौता हो जाना चाहिए hmm. ये आती है सोशल मीडिया पे हाँ हाँ और ये क्या लोक दल से पैचअप होगा hmm. कोई पैक्ट होगा कांग्रेस सबसे पहला आदमी मैं हूँ जिसने कांग्रेस ने लोक दल से समझौता किया था और बुरी मार खाई <laughs> <laughs> पहला आदमी मैं हूँ लोग कहना चाह रहे नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिल्कुल इसने एक करवा दिया मेरा तो मैं तो वो आप तो पॉलिटिकल आदमी आपके पिताजी ने राज्यसभा देखी लोकसभा देखी विधानसभा देखी मंत्री रहे दे, आप विधायक रहे इतना अफसोस क्यों मनाते हो आप हार का नहीं हार का तो मैं तो कोई बड़ी बात है कि हार जीत तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है नहीं हार जीत तो वो तो उसके लिए तो मैं नहीं मानता अब तो वैसे भी अब तो अगला इलेक्शन ये तो बार आप लड़के दिखाएंगे आपको इलेक्शन अच्छा और कैसे जीतते हैं ये आप देखेंगे कोई उसमें वो नहीं है अब अब की बार ठीक है मेरे साथ मेरे बेटा अर्जुन का साथ है अर्जुन बहुत एक्टिव है और वो जैसे कि हमारे दीपेंद्र जी हैं ना जी दीपेंद्र भी बहुत मेहनती है और अर्जुन भी बहुत मेहनती है दीपेंद्र भी सवेरे दस बजे घर से निकलता है रात के एक एक बजे आगे घर बढ़ता है और अब अर्जुन का ये है कि हल्के में कोई शादी हो कोई डेथ हो कोई कुआँ पूजन हो चाहे कोई छठी का हो तो फिर अर्जुन को ही लड़वा दो आप सुनाओ नहीं अर्जुन को अभी मैं तो चाहता हूँ और कोशिश भी करूँगा हाईकमांड से बात करके अगर वो मान गए तो लेकिन मुझे और मुझे दीपेंद्र जी ने भी कहा था कि हम अर्जुन को लड़ाना चाहते हैं मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरे ख्याल अभी वो एक थोड़ा टाइम लगेगा ये चुनाव अपने नहीं लेना पड़ेगा हाँ शायद ऐसा है हालात हालात ऐसे हैं कि वो हुआ ऐसे कि ये मैं जो इलेक्शन हारा ना जी उससे हारने से ए, काफी पॉलिटिशियन ये टिकटार थी वो यूं खाली मान के तैयार हो गए अब आर के बात हाँ। दावा कर सकते हैं वो। हाँ, करी सकते हैं ना अब ये दिक्कत होगी अब कैंडिडेट होगी ज्यादा और वो मैं ये मानता हूँ कि वो कैंडिडेट आसानी से मानेंगे भी नहीं अगर अर्जुन आ गया तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे मेरे प्रेजेंस में तो मान भी सकते हैं अर्जुन के उसमें बिल्कुल नहीं मानेंगे तो आपको ही लड़ना पड़ेगा फिर मुझे लड़ना पड़ेगा चलो वो तो अभी पहले होंगे फिर विधानसभा होंगे तो क्या सीन रहेगा पता नहीं अभी तो कुछ उसका है? क्या रहेगा हरियाणा में हाँ जी बिल्कुल जी कुछ नहीं पता है? क्योंकि लोकसभा आने हैं पहले तो बिल्कुल तो अब जैसे ए, एक शेर रोड ना ये ना <laughs> मुझे नहीं पता था आप शेर व शायरी का भी शौक रखते हैं नहीं तो दो मैं भी याद कर लेता कुछ पन्ने क्या फट गए हमारे राजनीति की किताब से कुछ पन्ने क्या फट गए हमारे राजनीति की किताब से लोगों ने सोचा हमारी कहानी खत्म हो गई <laughs> 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 तो ऐसी लोग तो ये मानने बैठे हैं लेकिन ऐसी बात है नहीं हम अपना पूरे उससे अब रास भी कईयों के फोन है एक किसके फोन आया था कि आ, मैं राइ से कांग्रेस का चुनाव लड़ूंगा जी मेरा इंटरव्यू करो मैं कैमरे पे नाम नहीं बताना चाह रहा उनका खर... मैंने कहा वहां तो फिर जय तिर जी हैं बोले नाना जी अब तो वह हम भी दावेदार हैं दावेदारी तो खे खर... दावेदार पर तो बहुत होते हैं जी न? दावेदार तो बहुत हैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक तो दावेदारी की वजह ये रही कि उन्होंने सीट खाली मान ली एक वजह ये मान ली कि ऊपर से हमारे दीपेंद्र जी ने ये ये समझा भाई इनको अगर नहीं पुचकारा तो ये बीजेपी में भाग जाए तो उनको पुचकार रखना भी वो था भाई चलो सबको जो भी आया उसको पुचकार लिया आ उन आदमियों को भी पुचकार लिया जिन्होंने खुल के मेरी मुखालफत की थी तो मैं नहीं समझता कोई उनकी कोई ज़्यादा वो है कीमत तो मैं एक चीज मैंने आप, गया। मैं आपको बताऊं मैं जितने दिन एम एल रहा मतलब हजारों लड़की तो मैंने नौकरी लगवाए अब राई हल्के के और किसी आदमी से चाय तक नहीं पी किसी एक आदमी से भी खर्चा किया तो जेब से किया यहां से अगर मैं गया हजारों रुपए का तेल फूक के मैंने किसी आदमी से आना नहीं लिया ना कभी वो किया और किसी तरीके से कोई कोई इल्जाम कोई हमारे ऊपर कोई मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम कोई आज तक उंगली नहीं उठाई वो जो आप कहते हो ना कि हजारों बच्चे नौकरी लगवाए तो वो हमारे सारों वाले कहते हैं कि ये अकेले अकेले नौकरी लेगी हम लगे ही नहीं वो, वो सी का फैसला है ये चीफ मिनिस्टर साहब जाने हुड्डा साहब जाने लेकिन हुड्डा साहब ने मुझे हमें तो है हमारे को तो ओबलाइज किया है हम हमारे तो हजारों लड़के राई हल्के की मेरे और हुडा साहब के आशीर्वाद से लगे मैंने लगवाए और कोई आज तक यूँ नहीं कह सकता अभी तो हल्का पूरा एरिया दिक्कत क्या दिक्कत क्या क्या हुई हुई और सारा बताता था इसमें जब तो था ते ये थाना खरखोदा के आसपास सारा एरिया लेकिन अब क्या पोजीशन हुई पीछे राजेंद्र सिंह ने अपने गांव हल्के से वो त्यागियों के निकलवा के और इसमें आ गई आपके आपके हल्के मारे मैं राई में आ गई वो जट्टों के चले गए दो चार जो थे अच्छा फिर इधर ये प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि एक चौबीसा है आतिल और इधर दैया हो गया अब प्रॉब्लम क्या आ गई बीच में इंडस्ट्री लगने के कारण वहाँ हज़ारों की तादाद में तो ये प्रवासी आ गए बिहारी बिहार अच्छा इनकी तो सरपंचों ने भाग भाग के वोट बनवा ली तब तो आपको बिहारी बोलना भी सीखना सीखो ना जी और फिर और वो तकी, वो देखो सरपंचों ने उनको वोट भी बना वोट बनवा दी अब वो वो अपने उसमें इंटरेस्ट में अब आप ये प्रॉब्लम तो थी थी कुंडली की बीसवा मील पे कुंडली तो ऐसा लगता है जैसे हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है वहां पे तो ऐसे बिहारी छोटा बिहार है वो छोटा बिहार है और इसके अलावा जो और प्रॉब्लम आ गई वो और प्रॉब्लम ये आ गई कि ये टी डी आई अनसल ये एल डी को ये ये नहीं ओमेक्स ये और आ गई जिनको बोलते हैं ना ये अब हाँ हजारों की तादाद में बिल्डिंगें खड़ी बिल्डिंग है खड़ी हैं हमारे गाँव गा के सिर्फ हमारा गाँव है बड़ खालसा हमारे गाँव से जाओ आप पहले पहले तो अनसल आएगा अंसल में हजारों की तादाद में वो बने हुए हैं फ्लैट्स फिर गांव खत्म हो तो गांव के पीछे सनशाइन काउंटी है सनशाइन काउंटी में हजारों की वो रहते हैं उनका सिर्फ एक मकसद है उनको जय तीर्थ को जानते भी नहीं वो वो मैं जाके ये कू जी मैंने चौपाट बनवा दी मैंने सड़क बनवा दी तो उनका कोई लेना देना नहीं नहीं। हाँ उन लोग वो देखते हैं टीवी या अखबार और दिल्ली से उनका वास्ता है तो वो उनको सिर्फ ये है कि राहुल गांधी और मोदी में से एक सेलेक्ट करना है अच्छा उनको मेरे से कोई ताल्लुक नहीं राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से पर, 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 उसी पे वोट डालते उसी पे प्रभावित होते हैं मीडिया से और अखबारों से इनसे प्रभावित होकर वोट डालते हैं और अब हमारे लिए ये मुश्किल है कि हमारे गाँव वालों से सिर्फ उनका इतना ताल्लुक है कि वो दूध लेते हैं और गाँव वालों से ऐसे कितने वोट हैं आपके हल्के में जो बाहर के लोग अब तो मेरा ख्याल अब तो दस हज़ार से ऊपर हो गई जी पर वो तो हरजीत ही तय कर हैं हर जीत करती थी जी बहुत मुश्किल है उनको कन्विंस करना नहीं। नहीं। उनसे इंट्रोडक्शन करना उनके घर बड़ा आप जाओ उस टाइम तो अगला ऑफिस जाओ उनका वैसे भी कल्चर भी अलग है वो ऐसा देहात का नहीं होता अच्छा आप देहात में तो गए तो चलो हर आदमी से मिलाए चौपाड़ में चले गए घर चले गए उनका तो कोई पता ही नहीं कि कौन बाहर गेट पे उनका जो ताल्लुक है वो उस बिजनेसमैन उससे उस है बिल्डर से hmm. बिल्डर ने उनको बिजली देनी है बिल्डर ने उनको पानी देना है बिल्डर के साथ उनका एग्रीमेंट है बिल्डर उनको लिफ्ट देगा बिल्डर हमारे से तो कोई उनको वास्ता ही सबसे कोई लेना देना कोई लेना देना तो आप कैसे घुसते हो अब ये प्रॉब्लम है ये इसको आसान सोच रहे हैं लोगों को पता नहीं कितना मुश्किल हल्का है अभी ये।, ये हल्का वो नहीं है अब वेव चल रही है वेव आ जाएंगे ऐसे नहीं है जी हल्का हल्के में ये ही नहीं पता अब ये आप यहाँ एल्टी को है सुंदर सुंदर फ्लैट बनाकर उसने बेच रखे हैं अब कोई भी आके कोई चंडीगढ़ से आके कोई पंजाब से आके कोई वहां आके रहता है तो बताओ जानता इन गांव लगेगा चौधरी जी कैसे समझाए बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई शहरी हल्का हो गया आपका तो शहरी हल्का भी हो गया और देखो ऐसा हल्का के बड़ा मुश्किल है लेकिन हम फिर भी कोई दिक्कत नहीं हमें अपना हमें कितने साल के हो गया आप मैं हो गया पूरा जी इकहत्तर साल इकहत्तर साल आप, आपका भी लास्ट इलेक्शन होगा चौबीस या और भी रहता है। ना जी, और तो एजी नहीं साथ देगी फिर नहीं। चलो आपको शुभकामनाएं थैंक यू भाई साहब धन्यवाद आपके आप जैसों की सहयोग से और आप जैसो हमारी शुभकामनाओं से हमारे पिताजी का इतना लंबा चौड़ा इतिहास बातें आपने बताई हाँ जी काफी वो तो उस समय जैसे चुनाव में जो पैसे खर्च होते कहा से लाते थे वो चौधरी जिक्राम जी या बहुत ज्यादा पैसा तब तो खर्च नहीं होता जब खर्च नहीं होता था अब तो मैं बताऊं जी ये हमारे उसमें अब तो एक इलेक्शन में आम तो यू कह देते हैं कि चलो एक तो पहले क्या होता था मेरे फादर व पंडित भगवदाल की कोठी से निकले और वो मुझे मैं कार ड्राइव करता मुझे काग था मुझे कहा जय तीर्थ कल से वो करो तैयारी सिलेक्शन की और गाडी गुडी कर लेना जैसे जी ठीक है तो मैं अगले दिन हमारे यहाँ सोनीपत में तहसील रोड है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी जब टैक्सी तो वहाँ वो टैक्सी वाले एक दो जो यार दोस्त थे उनको कहा भी दस कार कम से कम में चाहिए तो दस कार अगले दिन यहाँ कोटी पे आ गई हमने उनको अलॉट करना शुरू कर दिया भेजना शुरू कर दिया आप आ गए मान लिया आपने कहा भाई मुझे जाना है पुराने गांव में तो मैं कहता था भाई आज तो गाड़ी है नहीं कल आ जाना तेरी मैंने नोट कर ली है और ये देखो धर्मेंद्र जी लिख दिया कल आ जाना कल आपको गाड़ी मिल जाए अब क्या सिस्टम है अब ये है कि हमारे हल्के में इतनी गाड़ियाँ है। हैं हर घर गाड़ी लेके आते हैं तीन चार को बिठा के लाते हैं और आगे ये कहते हैं कि एक तो मेरी गाड़ी लगा ले दिहाड़ी में mm. हज़ार रुपए की तो उसकी दिहाड़ी होगी mm. एक कहते हैं जी वो मुझे जो है ना दस लीटर की पर्ची दो mm. एक उसको ब्रेकफास्ट कराओ शाम को कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है ये तो पता नहीं लेकिन वापस आके फिर उसको फिर खाना खुवाओ और दारू मांगे फिर वो कहे मुझे पेटी दो खर्चे बढ़ गए खर्चे बढ़ गए जी हम ना दें तो मुश्किल अब आप ये हर आदमी की डिमांड ये हो रही थी कि अब एक पौे बोतल से तो कोई मानता नहीं वोटी मान रहे हैं और आप मजबूरी मैं वहाँ आपको एक किस और बताऊँ बड़ौदा चला गया बड़ौदे में मेरी मैसवाल गाँव में ड्यूटी थी हुँ? तो मैं दोपहर तो को उनको पौड़ी में बैठे मैंने उनको कार चौधरी पेशाब करने जाना है वो बाथरूम बताना टॉयलेट तो उन्होंने इशारा कर दिया सामने घेर है यह उपचुनाव में।, में।, में हाँ ये उपचुनाव में ये बालू वाले में तो वह वहाँ घेर में गया उसने जहाँ इशारा किया था तो उस तरफ दो कमरे बने हुए थे हाँ। तो मैं उस टॉयलेट से पहले वाले कमरे में घुस गया वो पहले वाले में गया ना जी वहाँ देख के हैरान हो गया मैं नीचे से लेकर ऊपर तक ही पेटियां, पेटियां। शराब वो कैंडिडेटों से ले रखी अगले नंबर है अगले नंबर हैरान हो गया यह हाल है और हमारे इलेक्शन में भी अब ये लाखों रुपया लाखों रुपया मुफ्त में बर्बाद हो जाते हैं बर्बाद हो जाता है ये, और अब हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि वो ठेकेदार घूमते हैं दुर्गा कॉलोनी है बड़ मलिक में स्पोर्ट स्कूल के साथ जो चुराया है ना अब तो वहाँ फ्लाई ओवर बन गया yeah. उसमें ठेकेदार आते हैं जी मेरे हाथ में डेढ़ सौ वोट हैं और इतने पैसे लगेंगे और इतने पिट्टी लगेंगी hmm. क्या करें ना दे दो इलेक्शन कैसे लड़े तो फिर नहीं तो कोई तो अगर ईमानदारी का पैसा है है किसा फिर वो तो चुनाव लड़ ही सकता नहीं तो मैंने सवाल नहीं जी बहुत अब बहुत मुश्किल है चुनाव लड़ना के दिन गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता फिर सोच ही नहीं सकता बिल्कुल ये तो लोकतंत्र वैसे की जो कमियां है ना उनमें है आती है ये बात कि जो आप डेमोक्रेसी को वो बताते हो साफ प्योर वो वाली बात नहीं है बड़ा वो है फिर जो बंदा चुनाव में इतने रुपए खर्चेगा फिर वो मौका मिलने पे फिर वो कमाएगा भी कमाएगा भी ये हमारी बेवकूफी है अगर कमाया कुछ नहीं खाली बैठे हैं आप यकीन नहीं करोगे मैं अब वकालत करने लग गया इलेक्शन आने के बाद तो और हुडा साहब यू कर ले भाई ये दो बात ठीक नहीं।, नहीं कि हुडा साहब की राय ये थी कि नहीं या तो गलत करो गलत नहीं तो माजी छोड़ देते हैं फिर वो मैंने फिर सारे जो केस इकट्ठे हुए थे वो ऐसा ऐसा डिस्पोज ऑफ किए साथी वकीलों को दे दिए अब भी मेरा इस पंद्रह आज है पंद्रह तारीख को इस पंद्रह तारीख को एक मर्डर केस अभी भी अटका हुआ है पंद्रह तारीख को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा बाकी तो सारे कर दिए तकरीबन इस चौबीस के बाद तो फिर आपको तय बाकी करना फिर जो भगवान के सारे बैठे हैं पेंशन आ जाती है वो दो इलेक्शन हो गए पेंशन मिल रही है पेंशन से गुजारा हो रहा है ये पेंशन तो हल्ला ही नहीं अगर चुनाव में लड़ना हो तो आपने पेंशन तो ठीक है आ, वो ठीक है लेकिन वो तो खर्चा चुनाव में करना पड़ता है करना पड़ता है जी। और बाकी वो यह है कि वैसे मेरे फादर यू करते थे कोई मंत्री पद से आगे इस्तीफा दे दिया तो अगले दिन मुकाल शुरू कर दी और कोर्ट चले जाते थे हाँ, कोर्ट जाते थे अच्छा और खूब अच्छा। ये अब भी मैं ये कहता हूँ जिस दिन मैं कोर्ट्स जाता हूँ उस दिन ये समझ लो चार पांच गांवों में हुआ है हाँ ज्यादा लोगों से मुलाकात हाँ इतनी मुलाकात होती है लोग आते हैं खूब मिलते हैं केस वाले भी आते हैं बिना केस वाले भी आते हैं लेकिन ये है कोई अब वो कम है मेरा जाना जाता तो हूँ मैं एक आध बार कोर्ट्स और वहाँ अच्छा मीटिंग भी अच्छी होती है ठीक कहाँ पे आपकी कोर्ट राय में ये यहाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे हाँ। राई तो अभी कुछ भी नहीं है राय तो मैंने तहसील बनवाई थी बुढा साहब के आशीर्वाद से वो तहसील बनी थी वहाँ तो पहले सब तहसील थी अब तहसील तो वहाँ अभी तो पूरा कोर्ट वर्क तो नहीं शुरू हुआ तहसील का ही काम है आपने बड़ा दोस्तों ये थे जय तीर्थ दैया जी जिनके नाम की भी एक कहानी है कि ये जिस दिन जन्म लिया इन्होंने उस दिन इनके पिताजी को कांग्रेस की टिकट मिली पहली बार वो जीते तो ये हो गए जय तीर्थ दैया और अब 24 में ये अपने जिंदगी का एक कई माइलस्टोन चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या रहेगा ये तो जनता को पता है लेकिन इंसान भले हैं और आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा नहीं मेरी पूरी छवि है जी पूरा मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरा कोई हल्के में मेरी इज्जत है हल्के में लोग मुझे कोई उंगली नहीं उठाता कोई आ, मेरे जो अपोनेंट है वो भी यूँ मानते हैं कोई इस पर कोई शेर व शायरी का शौक रखते हैं आप हाँ जी हैं ठीक है अभी सुनाए तो है नहीं मैंने आपको दूसरा तो चुनाव में भी शेर वैरी सुनाना आप हाँ सुनाएंगे जी सुनाते हैं जी ठीक है सर तुम